नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी के बारे में और 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, टीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कॉलेज का आवंटन हो गया है और बहुत सारे विषयों के कॉलेज का आवंटन हुआ है और कुछ विषयों के कॉलेज का आवंटन कल होगा। तो आयोग की तरफ से नोटिस जारी की गई है, तो आइए देख लेते हैं कि किन किन विषयों के छात्रों के कॉलेज का आवंटन हो गया है। आज के समाचार पत्र में भी था और न्यूज़ भी मिल रही थी कि जैसी मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया था उससे ये पता चल रहा था कि कल यानी कि शुक्रवार को कॉलेज का आवंटन होगा, लेकिन आज ही कई विषयों के कॉलेज का आवंटन हो गया है। बाकी जो बचे हुए विषय हैं उनका कल होगा। और दूसरी 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई की अपडेट है, तो बीएड को बाहर करने की जो याचिका थी इसकी आज सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश यू ललित की बेंच में यह मैटर रखा गया था। तो इसमें थोड़ी देर इसमें सुनवाई हुई, उसके बाद इसको भी 14 तारीख की सुनवाई के साथ साथ जोड़ दिया गया है। तो इस पर कोई अभी कोई डिसीजन इस तरह का नहीं दिया गया है, इसको उसी के साथ। देखिए 14 तारीख जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी चीज़ें 14 तारीख को क्लियर होनी है। सभी छोटी मोटी सुनवाई भी उसी सुनवाई के साथ जोड़ दी गई हैं, तो जो वहाँ पर डिसीजन आएगा उसी पर सभी का निर्णय निर्भर करता है कि किस सुनवाई का क्या होता है। तो बहुत सारी जो याचिकाएं पड़ी हैं छोटी मोटी, इनका कोई मतलब नहीं है। 14 तारीख की जो याचिका मेन है उसके बाद ही इस पर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो खैर आइए टीजीटी की जो नोटिस आई है, विज्ञप्ति जारी हुई है, उसको देख लेते हैं। दोस्तों ये नोटिस है, इसमें लिखा है कि विज्ञापन वर्ष 2016 प्रशिक्षित स्नातक और जिन विषयों की जारी की गई है उसमें उर्दू है, सिलाई है, गृह विज्ञान है, संगीत है, गायन है, संगीत वादन, बांग्ला, वाणिज्य एवं कृषि, कुल 8 विषयों के पैनल दिनांक 28 फरवरी से 18 मार्च एवं 21 मई को बोर्ड द्वारा इस पैनल में अंकित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12-10 के अनुसार आवंटित संस्थाओं के नामों सहित सूची बोर्ड द्वारा दिनांक 9/7/2020 को जारी कर दिया गया है और इसको जो है आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो छात्र जिनका ये विषय था आयोग की वेबसाइट पर जाके अपना आवंटन देख सकते हैं कि उनको कौन सा कॉलेज आवंटित हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।